प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने सोमवार को खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों का सम्मान भी किया, साथ ही खिलाड़ियों के बीच खिलाड़ी अंदाज में सीधा संवाद किया। देखिए भोपाल से एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। खिलाड़ियों के बीच खिलाड़ी नंबर वन बने मंत्री जीतू पटवारी। राजधानी भोपाल में मंत्री पटवारी का सीधा संवाद। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने खिलाड़ियों को दिए टिप्स। राजधानी भोपाल में खिलाड़ियों के बाद सोमवार को कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने खिलाड़ी अंदाज में खिलाड़ियों को कई टिप्स दिए और अपने जीवन के सक्सेस मंत्र कुछ इस अंदाज में साझा किए। तो जैसे ही मन ने कहा कि मैं रुकना है मुझे, तो डबल डेढ़ा करना, उससे ज्यादा करना। जब तक आप इस थॉट को जिंदा नहीं रखोगे, जब तक आपका आत्मबल बढ़ेगा, अंदर जो स्ट्रांगनेस चाहिए, जो मजबूती चाहिए, वो आएगी। मुझे ऐसा लगता है सर, और बताएंगे आप लोगों को, बताते भी होंगे। तो एक तो ये, अब मैं तो व्यक्तिगत बातों के लिए आज इकट्ठा हुआ। आप उनको जो रहने में जो कचर अचर उसकी मैंने देखी थी, तो बहुत जल्दी थी, बहुत खराब लगा। मैं चाहता तो पनिश करता किसी को या किसी को और किसी प्रकार का, कहता कि क्या कर रहे हो, हिसाब देखता। तो वो एक हेडमास्टर जैसा हो जाता है, परिवार की दोस्ती जैसी नहीं। तो मेरा आप सबसे पहले तो हम सब दोस्त हैं, क्या है? जोर से नहीं बोले यार, दोस्त फ्रेंड है आपस में। तो एक तो हम सबको ध्यान रखना है, जो हमारा रहने का स्थान है, हम जितने दिन रहे, एक दादी होता है ना, दादी देखा वो साफ सुथरा भी होता है। तो हम इंसान है भाई, हमें अपना बच्चों के वहाँ तो ओके था। मैं जब तीन जगह गया था तो बच्चे के यहाँ जो बेटियाँ थी वहाँ ओके था, पर लड़के जितने भी थे बहुत आलसी, मतलब इतना गंदा लगा। तो डरा हुआ आदमी कभी परफॉर्म नहीं कर पाता, याद है कि नहीं तुम लोगों को? डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ बच्चा, हमने घर में बच्चे देखे ना छोटे, डरा हुआ कितना सहमा हुआ रहता है, वो कुछ नहीं करता है। बिंदास खुल के जीवन को नेचुरल तरीके से जीने वाला ही परफॉर्म करता है। तो जो बात खुल के कह सकता है वो तो खड़ा हो जाए, डरे हुए बैठे रहो। जी जो सर आपने बात पूछी उसका मेरे पास अभी लेटेस्ट में जवाब है, क्योंकि मुझे अभी एकेडमी से निकाल दिया गया, परफॉर्मेंस नहीं आई उस कारण। जी तो उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि मैंने 3-4 साल पूछा कि तुमने 4 साल में क्या किया, तो मेरे पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। पर जो कि मैं पढ़ाई में भी थोड़ा कमज़ोर हूँ, इस कारण मैंने स्पोर्ट्स चुना। तो जब हम गेम खेलते तो कभी कभी परफॉर्मेंस हर टाइम तो ऊपर नहीं रहता, जब परफॉर्मेंस नहीं आता तो 4 आदमी निकल जाएंगे, तो आपके पास क्या रहेगा? ये दो बातें एक साथ कही है, ठीक है, ओके। मेरी बेटी है वो अभी है 12th में, वो पिछले साल तक लॉन टेनिस खेलती, मेरी खुद की बेटी। तो वो हमारे इंदौर में लॉन टेनिस की एकेडमी से कई है, पर एक अच्छी है उसमें नाम TCS में है, जो साजिद वागी जी धूपर साहब वगैरह चला रहे ITC में। तो वो मैं उसको खेलने के लिए कभी इंकरेज नहीं किया हम लोगों ने, तो उसने क्या किया, आप ही का उत्तर है इसमें है, निकल के आएगा। मंत्री पटवारी बोले कि खिलाड़ियों को अब अपने खुले दिमाग से खेलना चाहिए, और इसके साथ ही वे बोले कि जो होता है वो आज में होता है, कल में कुछ नहीं होता। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही बन जाऊंगा ये भी मुझे पता नहीं था। तो क्या होता है कि ईश्वर होता है, भगवान होता है, वो अपने आप रास्ते पहले से भेजता है आपको, ऐसा होता है आपको जोड़ता है और फिर धीरे धीरे उसके वो ढालता है। ये इसका एक उदाहरण है। मैं किसी कोई बड़ा प्लेयर तो नहीं बना, पर स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेला हूँ, और जब मैं स्कूल में खेलता था तो जो एक खिलाड़ी की तकलीफ आती थी, आती है, तुम लोगों का जो मन विचलन होता है, आप लोगों का मनोस्थिति जो बनती है, विचार आते हैं, ऐसे मेरे भी आते। तो उसमें मैंने जैसे अपने माइक से भी कहा था कि दो तरह के विचार, एक विचार कौन सा जो कुछ करने से रोकता है, और एक विचार कुछ करने को खुश करता है। एक तो ये कि मेरे को जो करना है उससे ज्यादा करूं, और एक वो कि यार आज आलसी कर,
कल देख लेंगे, कल कुछ नहीं होता, जो होता है आज। तो एक गेम्समैन को, खिलाड़ी को, स्पोर्ट्समैन को, आपको एक इस मन को कि मन ने जो कहा उसके विपरीत करना है। मन कहता है कि आज इतना खूब है, अच्छा है, बहुत, तो नहीं फिर दूसरा विचार आना चाहिए उसी बात। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत मंत्री पटवारी ने प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान भी किया और संवाद के जरिए अपनी बात रखी। कुल मिलाकर खेल मंत्री जीतू पटवारी युवाओं का दिल जीतने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और बातों ही बातों में खिलाड़ी नंबर वन की तरह अपनी भूमिका निभाते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।